एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल गार्डनिंग औषधि आकाश पे। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मेरे बैगन के पौधे, इनको लगभग मैंने 1.5 साल से लगाए हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। इनसे मैंने लगभग 3-4 बार हार्वेस्ट ले चुका हूँ। मैं देखे वीडियोज़ वगैरह मैंने आप लोगों से शेयर करी। ये हम लोगों के लंबे वाले बैगन के पौधे, लंबे लंबे साइज़ के, काफ़ी हेल्दी इस पर बैगन लगते थे। लगभग आज से 3-4 महीने पहले इस पर मैंने हार्वेस्ट ली थी, लेकिन अब इसमें होने के लगा, इसमें फ्लावरिंग वगैरह होना बंद हो गई हैं और कुछ इस पर देखिए पत्तियों वगैरह पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन वगैरह भी हो गया। तो इस पर दोबारा हम लोग फ्लावरिंग किस तरीके से ले सकते हैं और जो पौधे पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम लोग किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, पूरा मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या करना है। और एक मेन क्वेश्चन आप लोगों का आता है मेरे पास कि जो फ्लावरिंग होने लगती है वो बैगन की फ्लावरिंग बैगन में ना बदल के वो सूख के गिर जाती, तो उसको भी हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को करना है क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर भी करना ताकि और दूसरों के घर पर भी ये बैगन अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन बैगन के पौधे के ऊपर फिर से बहुत सारे बैगन किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोग के बैगन के पौधे जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं उनको हम लोगों को कट करके हटा देना होगा। जैसे आप ये वाली पत्ती देख रहे होगे, नीचे साइड आप लोग नोटिस करोगे तो इस पर कीड़ों का अटैक आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ नीचे साइड का आपको दिख रहे होंगे, देखिए कीड़े इस तरीके से चिपके होंगे। तो जितनी भी आप लोगों को अपने पौधे में इस तरह की पत्तियाँ वगैरह दिखाई दें तो सारी पत्तियों आप लोगों को कट करके हटा देनी। इनफैक्ट जो येलो पत्तियाँ या पीली पत्तियाँ हैं उनको भी आप लोगों को हटा देना है। देखिए जैसे मैं आप लोग से बता रहा था कीड़े वगैरह का अटैक होगा, तो इस तरह की जितनी भी आप लोगों को सारी पत्तियाँ दिखें उन पत्तियों को आप लोगों को अपने पौधे पर से कट करके हटा देना होगा। ये अगर आप नहीं हटाओगे तो हम लोग पौधे को फर्टिलाइज़र वगैरह जब देंगे तो उसमें फिर से इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ये कीड़े जो होंगे वो नई पत्तियों पे वापस चले जाएंगे और हम लोग के पौधे को फिर से इन्फेक्ट कर देंगे। तो हम लोगों को सारी ख़राब पत्तियां या सूखी ब्रांचेस हम लोगों को कट करके हटा देनी है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर आप देख रहे होगे देखिए कुछ इस तरह की ब्रांचेस वगैरह ड्राई हो रही होंगी, तो हम लोगों को ये जो ब्रांचेस ड्राई हो रहे हैं इनको हम लोगों को कट करके हटा देना। यहाँ से हम लोगों ने फ्रूटिंग ली थी लास्ट टाइम, इस जगह से फ्रूट वगैरह निकले हुए थे, फिर उसके बाद देखिए साइड से नया शूट इसमें ग्रो करने लग गया। तो ऊपर की जो थोड़ी सी ये डेड ब्रांच कही जाती है तो इस ब्रांच को हम लोगों को कट करके हटा देना, कुछ इस तरीके से हम लोगों को कट करना। मैं दिखाऊं देखिए ये धीरे धीरे करके ड्राई होती जा रही, तो और ये धीरे धीरे करके पूरी ड्राई हो जाती। तो इस तरह की जितनी भी डेड ब्रांच है उनको हम लोगों को हटा देना, क्योंकि ये पौधे का नरिशमेंट बर्बाद करती रहती हैं। तो पहले मैं इस पौधे में से थोड़ी सी डेड ब्रांचेस और सूखी पत्तियाँ जो हैं, ख़राब पत्तियाँ, उनको हटा देता हूँ, फिर आगे हम लोग को क्या क्या करना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने पौधे पर से बहुत हद तक सूखी पत्तियाँ वगैरह हटा दी, जो इस तरह के इन्फेक्टेड लीव्स वगैरह, तो लीव्स को हटा दिया। अब उसके बाद मैं आप लोगों का फोकस अपने पौधे की मिट्टी पर लेकर जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो देखिए इसके ऊपर भी आप लोगों को काफ़ी सारी सूखी लीव्स दिखाई दे रही होंगी, डेड लीव्स आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी और इस तरह की घास वगैरह उस पर ग्रो कर रही होंगी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें इनको हम लोगों को हटा देना, इससे होता है कि पौधे में फंगस लगने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसको आप लोग अगर आप घर पर कंपोस्ट तैयार कर दो तो उसमें ये लीव्स को डाल दोगे तो बहुत ही ईजी डिकम्पोज हो जाएंगे और बहुत अच्छी कंपोस्ट के भी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है कि पौधे में जितनी घास वगैरह आपको दिखाई दे, जितनी सूखी पत्तियां वगैरह आपको दिखाई दे, वो सारी पत्तियों को हटा देना। फिर उसके बाद हम लोगों को अपने पौधे की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके नहीं करनी है, जैसे मैं दिखाऊँ आप लोगों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके गुड़ाई नहीं करनी, बस इस तरीके से हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है। जो थोड़ी बहुत आप लोगों को रूट्स दिख रहे होंगे, ये रूट्स कट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-1.5 इंच तक के हम लोगों को गहराई में गुड़ाई करनी है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो उसमें जो टैप रूट होती है, प्लांट की मेन जो रूट्स होती है, जो फीडर रूट्स इनको कहा जाता है, वो रूट्स एक्सपोज होने लगती है तो फिर प्लांट को डिस्टर्ब हो जाता है। इस समय बरसात का टाइम चल रहा है तो मिट्टी वगैरह बिल्कुल गीली होगी, तो आप बहुत ही सावधानी से गुड़ाई करिएगा। कुछ इस तरीके से हम लोगों को अपने पौधे की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। फिर इसके बाद ये जो मिट्टी हम लोगों ने गुड़ाई करके निकाली, इनको हम लोगों को एक अलग पॉट में निकाल लेना है। इसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, दोबारा हम लोग इसका इस्तेमाल फिर से करेंगे। तो एक पॉट में बस हम लोगों को ऊपर के 1.5 इंच तक की सॉइल हम लोगों को अलग निकाल लेनी है। ये देखिए मैंने एक ये पॉट में सारी सॉइल निकाल ली है। अब इसके बाद हम लोग को करना है कि हम लोग को ऊपर से एक बहुत ही अच्छी मोटी सी एक लेयर लगानी होगी, वो भी वर्मी कंपोस्ट की। आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर जो भी हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप घर पे कंपोस्ट बनाते हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, ये हम लोग का 14 इंच का ग्रो बैग में पौधा लगा हुआ, तो इसमें लगभग मैं 200 से 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपका छोटे गमले में पौधा लगा तो आप थोड़ी सी कम वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, ज़मीन पर लगा तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हो।
कुछ इस तरीके से हम लोग को इसको वर्मी कंपोस्ट देनी होगी। एक मोटी सी हम लोग को लेयर लगानी होगी। ये देखिए मैंने एक अच्छी मोटी सी लेयर कर दी वर्मी कंपोस्ट। अब इसके बाद मैं ये इसको सीवीड दूंगा। सीवीड से होगा कि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे को ग्रोथ को प्रमोट करने वाले इसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से पौधे की ग्रोथ होने लगेगी और इसमें बड्स वगैरह भी आने लग जाएंगी। जैसे कि अभी जिसमें आप लोग देखिए छोटी छोटी सी कुछ आपको बड्स दिख रहे होंगे, तो इन बड्स की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो 14 इंच का हम लोगों का ग्रो बैग है, तो इसमें 2 टीस्पून के आसपास मैं सीवीड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी आती है, ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आती है और इस तरह के पाउडर फॉर्म में भी आती है। इसको हम लोग पानी में डिजॉल्व करके भी दे सकते थे, लेकिन मैं इसको इस तरह से दे रहा हूँ। जब मैं वॉशिंग करूँगा तो ये धीरे धीरे प्लांट को मिलती रहेगी। ये जो सीवीड है ये आप लोगों को लोकल गार्डनिंग शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और लगभग हर जगह मिलने लगी है। अगर आपको लोकल गार्डनिंग शॉप पे नहीं मिलती है तो मैं अमेज़ॉन का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसको सीवीड दे देना। अब इसका जो हम लोगों ने मिट्टी निकाली हुई थी उसी मिट्टी से हम लोगों को इसको दोबारा भी कवर कर देना है। हम लोग चाहते तो ये इसको एक दिन दो दिन धूप दिखा सकते थे, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो धूप निकल नहीं रही है, इसलिए मैं इसको तुरंत ही कवर कर रहा हूँ ताकि हम लोग का फर्टिलाइज़र इधर उधर वेस्ट ना हो। इस तरीके से ये मिट्टी से हम लोगों को इसको वापस अच्छे से कवर कर देना और हाथ से अच्छे से इसको दबा देना होगा, नहीं तो होगा कि जो हम बारिश होगी तो फिर जो हम लोगों ने फर्टिलाइज़र दिया वो इधर उधर बह के बर्बाद होगा। कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिट्टी देनी है और फिर उसको हाथ से इस तरीके से हल्का हल्का सा दबा देना है हम लोगों को। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को पहले अपने पौधे को कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह देना होगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने पौधे के ऊपर कुछ नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह भी करेंगे। तो अब हम लोगों को अपने पौधे के ऊपर इस नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, जिससे कि इस पर जो कीड़े वगैरह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाए तो वो कीड़े बिल्कुल हट जाएं और हम लोग के पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। ये नीम ऑयल आप लोगों को कहीं पर भी लोकल गार्डनिंग शॉप में आसानी से मिल जाएगा। इसको हम लोगों को 1 ml मिलाना है 1 लीटर पानी में और फिर उसको हम लोगों को अपने पूरे पौधे के ऊपर इस तरीके से स्प्रे करना होगा। ये मैंने पहले से ही बॉटल में घोल के रख लिया था मिक्स करके। इसको हम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से करना, खासकर लीफ के नीचे हम लोगों को इस तरीके से स्प्रे करना होगा ताकि इसमें जो कीड़े वगैरह नीचे साइड छुपे हो तो वो कीड़े फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएं। इसको हम लोगों को हफ्ते में एक बार अपने वेजिटेबल वाले या फ्रूटिंग प्लांट से इस तरीके से नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे हम लोग के पौधों पर किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह के इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बस अभी हम लोगों को ये छोटी सी चीज़ें करनी है, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना अपने पौधे को, थोड़ा सा इसमें स्पेशल खाद वगैरह सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह देनी है और नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करना, जिससे कि इसके ऊपर कीड़े वगैरह ना हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो उसमें फ्लावरिंग वगैरह होना भी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब पौधे को फ्लावरिंग होने लगे और बरसात के टाइम पर खासकर, तो हम लोगों को मिट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिल करना होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी स्टोर नहीं हो पाई। ज़्यादा पानी होने की वजह से ही इसमें जो फ्लावरिंग वगैरह होती है वो फिर गिरने लगती है। तो पहले हम लोग के पौधे में कुछ फ्लावरिंग वगैरह होने लग जाए, पौधे ग्रोथ थोड़ी स्टेबल हो जाए, फिर आगे का अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग अपने पौधे के साथ ये छोटा सा काम करिए। वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे हैं जो कि पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो एक बार जरूर कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।